Hey guys, welcome back to my YouTube channel. कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे. तो आज मैं आपको लेके आई हूँ एक नए जगह पे, एक नए प्लेस पे. तो वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो चलिए चलते हैं आगे. तो मैं आपको लेके आई हूँ कार्ला केव्स और एक वीरा माता आई के दर्शन के लिए, जो कि लोनावला में स्थित है. कार्ला केव्स एक प्राचीन गुफाओं का संच है. तो चलिए हम ऊपर चलते हैं, सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे. जब हम इन सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आजू बाजू में दुकान स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पे शॉपिंग करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं और प्रसाद ये भी सारी चीज़ें हैं. तो सभी तरफ सीढ़ियों से जाते हुए आपको ये दुकानें नज़र आएंगी. तो अभी हम ऊपर पहुंच गए हैं मंदिर के टेकड़ी पे. तो चलिए चलते हैं आगे. यह मंदिर बहुत ही पुराना है और प्राचीन है. कहते हैं कि अपने आज्ञास्वाद के दौरान जब पांडव यहाँ पहुँचे, तब देवी एकवीरा आई उनके सामने प्रकट हुई और उनकी कार्य दिशा की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने पांडवों के सामने मंदिर बनाने की चुनौती रखी, मगर साथ ही एक शर्त रखी कि वो मंदिर एक रात में बनना चाहिए. तो पांडवों ने ये मंदिर बना दिया. कहते हैं कि यह मंदिर कार्ला केव्स से भी बहुत ही पुराना मंदिर है. तो चलिए अब हम दर्शन करने अंदर जाएंगे. तो चलिए मेरे साथ. हमने दर्शन कर लिया है. अभी हमारा दर्शन हो चुका है और बारिश भी चालू हो गई है. सच में ऑसम है यहाँ का व्यू. देखिए यहाँ से पहाड़ी से बहुत ही अच्छा व्यू, मनमोहक व्यू दिखता है, बहुत सुंदर है. आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए.
तो चलिए आप सभी को अब हम कार्ला केव्स दिखाएंगे। यहाँ पे आने के लिए आपको एक टिकट लेना पड़ेगा जो कि टिकट काउंटर से मिल जाएगा, और यहाँ पे अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। अगर कैमरा आपके पास है उसके भी अलग से पैसे लेते हैं वो। तो चलिए हम कार्ला केव्स घूम लेते हैं। यह कार्ला केव्स बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। यह गुफा पहाड़ पर चट्टानों को काट कर गुफाओं का निर्माण किया गया है, जो कि बहुत ही अद्भुत है। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।